नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज पहली जनवरी है। आज के दिन 1989 में जननाट्य मंच नाम का एक ग्रुप एक नाटक कर रहा था, जब उन पर हमला हुआ और उसमें उनके संस्थापक सफदर हाशमी की और एक मजदूर राम बहादुर की हत्या कर दी गई। उसके बाद से जननाट्य मंच हर साल इस जगह पर आता है और सफदर को याद करता है, गाने गाकर, गीत गाकर, नाटक खेलकर। इसी तरह का प्रोग्राम सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट ने भी आज के दिन ऑर्गेनाइज किया है, जो कि कई सालों से वो लोग कर रहे हैं। उसमें भी सफदर की नाटक की बात होती है, आर्ट की बात होती है और जो मौजूदा पॉलिटिक्स चल रही है देश में उसके बारे में बात अपनी रखी जाती है। हमने दोनों ही जगहों पर जाकर लोगों से बात की, उस प्रोग्राम को कवर की और लोगों से जानने की कोशिश की कि सफदर की जो लेगेसी है, जो आज का थिएटर है और आज की जो राजनीति है, उसमें सफदर हाशमी का जननाट्य मंच का क्या किरदार अदा हो रहा है। देखिए न्यूज क्लिक की ये खास रिपोर्ट। अरे रोको रोको, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे क्या बात है, ये क्या स्वाहा स्वाहा करवा रहे हो? तुम रोक क्यों रहे हो? ये क्या करवा रहे हो? ये तुमने देखा नहीं, काल रात्रि अपनी पुस्तक जला रही थी। काल रात्रि अपनी पुस्तक जला रही? लेखक का काम होता है रचना, अपने लिखे को जलाना नहीं। काल रात्रि ने अपनी पुस्तक में ऐसा ही लिखा है। बकवास, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बकवास नहीं, इतिहास है। ये शासकों की लिखी मनगढ़ंत कहानी इतिहास नहीं बकवास भी होती है। अगर ये सत्य नहीं है तो सत्य क्या है, ये बताओ। तो सुनो सत्य, भाई राजा नहीं चाहता था जन की बात, उसको तो भाती थी। लगातार शुरू से, एकदम शुरू से हमने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जो रचनात्मकता है उसको हम नए नए तरीके से लोगों के सामने लेकर आए, भले ही मुद्दे वही हो। अब देखिए, जैसे जेंडर का सवाल है या सांप्रदायिकता का सवाल है या मजदूरों के न्यूनतम वेतन का सवाल है, ये अनफॉर्चुनेटली बदला ही नहीं है इतने सालों में। तो सवाल मूल रूप से वो रहता है या समाज के अंदर जो विषमताएं हैं उन सब को लेकर जब नाटक होता है, तरह तरह के नाटक होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। तो एक चीज़ जो हमने पूरे 50 साल में ज़रूर हासिल किया है कि हमने एक तरीके का नाटक नहीं किया है, अलग अलग तरीके और अलग अलग फॉर्म्स को शामिल किया है इस नुक्कड़ नाटक के फ्रेम के अंदर। अब नुक्कड़ नाटक का फ्रेम जो है वो ऐसे नहीं है, वो विशाल है, उसकी कोई मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं है। उस बाउंड्री को हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं बाउंड्री को। मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं सफदर हाशमी का दोस्त था, ना मैं उनकी थिएटर कंपनी में शामिल था, ना मैंने उनके साथ कभी काम किया, ना उनसे कभी मुलाकात हो पाई। लेकिन उनके बारे में मैं सुनता ज़रूर था। 1970 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और गालिबन वही दौर था जब सफदर ने अपना काम शुरू किया, और कुछ साथियों से मैं सफदर के बारे में सुना करता था कि वो मजदूरों के बीच जाकर किसानों में, गांवों में नाटक पेश करते हैं उन्हीं के मसलों के बारे में। और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये इंसान जो मैं सुनता हूँ इतना पहुँचा हुआ कलाकार है और जिसको थिएटर से इतनी लगन है, इतनी मोहब्बत है, वो अपने नाटक शहर में क्यों नहीं करता, ऐसे नाटक क्यों नहीं करता जिसे देखने के लिए लोग पैसे दें, जिससे उनको मकबूलियत मिले। सच तो ये है कि मेरी तलाश थी शोहरत, मकबूलियत, और सफदर को जुनून था बदलाव लाने का, जो उनके जीते जी ना आ पाया हो। लेकिन जैसा कि मोहतरम साहब ने कहा कि एक चिंगारी वो छोड़ गया जो हमेशा भड़कती रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। एक्चुअली जो जननाट्य मंच काम करता है वो जनता के बीच में जाकर करता है, और जननाट्य मंच का मानना है कि
जो फंडिंग है या जो बच्चों से जो 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 हमें मदद फाइनेंशियली मिलती है वो जनता का नाटक है, जनता से ही हमें मिले। और हमेशा से मान रहा है कि जब जननाट्यमंच नाटक करता है और जननाट्यमंच के बीच में जनता के बीच में जाकर के अपनी झोली फैला करके उससे चंदे की अपील करता है, क्योंकि वो जो जनता जो नाटक का नाटक को देखने के बाद जो पैसा देती है तो लगता है कि उनका एक कंट्रीब्यूशन है उसके साथ। और हमारा हमेशा से मानना रहा है कि जनता का नाटक है तो जनता का ही जनता से मदद हमें लेनी चाहिए सीधे सीधे। हम किसी कॉरपोरेट से, सरकार से या किसी तरीके की ऐसी कोई फंडिंग नहीं लेते। जननाट्यमंच का जो पुरजोर मानना है कि हम जो है जिस तरह का काम करते हैं जनता के लिए काम करते हैं, जनता के शूज़ पे काम करते हैं, उस तरह के नाटक बनाते हैं, तो फंडिंग भी हम वहीं से लें, वहीं से डोनेशन आए। ये मैटर नहीं करता है कि कितना पैसा वो डोनेशन में दे रहा है। हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, किसी के चिथड़ों को, किसी के चिथड़ों को और शहनशाही खजानों को तो दिल ताब निशात बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। तो ये जो मोबाइल एग्जीबिशन है जो कि जननाट्यमंच की बनी है, ये कहां से इसका आइडिया आया और उसके बाद इन लोगों को आपने कैसे अप्रोच किया उसके बारे में थोड़ा सा शुरू से बताइए। तो ये क्योंकि जननाट्यमंच का 50वां साल है इसलिए हम लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें करना चाहते थे, थिएटर टॉक्स और नए नाटक और लोगों को इन्वाइट करके नाटक बनवाना। तो एक ख्याल ये आया था, ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ था कि हम एक एग्जीबिशन बनाएं जिसके अंदर जननाट्यमंच के जो पिछले 50 साल हैं वो शायद उस तरह से ना समा पाएँ, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स रहे हैं या की मोमेंट्स रहे हैं या जिस तरह के मुद्दों पर नाटक करता है और ट्रेड यूनियन और आंदोलन के साथ, जनवादी आंदोलन के साथ क्या रिश्ता है, उसको वो उस एग्जीबिशन के अंदर आए। तो छोटे छोटे टीम्स बने थे जन्म के अंदर और उस समय ये हुआ कि हमारी एक दोस्त हैं प्राची, जिन्होंने हमारे साथ शादी खामपुर म्यूज़ियम को भी जो है वो डिज़ाइन करवाने में मदद की थी। तो वो IIAD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जो कि ओखला में है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत उनके लिए अच्छा रहेगा कि अगर उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो पाएँ। तो उसमें फिर हमने उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया और उनके कॉलेज के दो डिपार्टमेंट्स, एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट मतलब जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और ये सब जो चीज़ देखते हैं, और दूसरा कि जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीम्स बनी और हमने उनके कॉलेज में जाके नाटक किया। वो बच्चे उससे थोड़े और इंटरेस्टेड हुए और फिर हमने वहाँ जाके प्रेजेंटेशंस दिए और हमने बेसिकली स्टूडेंट्स के ऊपर ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन वॉलंटरी रूप से उन्होंने जो है वो खुद से वॉलंटियर किया कि हम इसमें करना चाहते हैं। तो कितने लोग रहे होंगे? हम टोटल आई थिंक 12-13 लोग थे आपस में। तो हमने दो टीम्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया था, जैसे कुछ लोग स्ट्रक्चर टीम के थे और कुछ लोग ग्राफिक्स टीम के थे। तो जैसे हम लोगों ने बेसिक जो है, जो एग्जीबिशन का ओवरऑल क्रक्स जो है वो ये है कि हम लोग मतलब दो चीज़ें थी, एक तो द एग्जीबिशन हैड टू बी कोलैप्सिबल एंड लाइट वेट एंड मोबाइल। हम जैसे चलते चलते बात कर सकते हैं, उसके बाद आपको आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। तो जैसे दो चीज़ें थी, एक तो था कि द एग्जीबिशन हैड टू बी कोलैप्सिबल एंड मोबाइल। तो हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, जो हमारी स्ट्रक्चर टीम है उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया कि ये सारा कुछ फोल्ड होके इस डब्बे के अंदर ही पैक हो जाता है। इसके ये जो चार पैनल्स हैं और ये छोटे पीसेज हैं, फिलर्स जो हैं, हाँ, और ये ऐसे घूम भी जाता है। तो एक ही जैसे डब्बे के अंदर 8 पैनल्स डिवाइड हो सकते, मतलब में उनकी जो कहानी है वो दिखा रहे हैं। जी, हमें एक अंदाज़ा मिला कि कितना स्प्रेड आउट जन्म का काम है एक्चुअली। यू कैन सी थ्रू द एंटायर एग्जीबिशन वेयर एंड हाउ जन्म इज वर्क, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क, दे हैव चैनलाइज्ड देयर वर्क टुवर्ड्स ओवर द इयर्स। दैट हैज बीन अ वेरी इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बहुत कुछ सीखने को मिला है, लाइक वी बेयरली न्यू अबाउट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। पहले हमारे स्कूल के करिकुलम में उतना सिखाया नहीं गया है जितना, लाइक फॉर एग्जाम्पल द पास्ट 50 ईयर्स ऑफ वट दे वर्क विथ वट दैट हैज टॉट अस थ्रू दिस प्रोजेक्ट। क्या ये सिर्फ आपके लिए एक डिज़ाइन का काम था या आपके? इट्स मच मोर देन जस्ट डिज़ाइन। वी गॉट टू नो हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कम इन टूगेदर टू फंक्शन बेटर एंड रीच अ लार्ज ऑडियंस, राइट? वो बहुत बड़ा एक काम है। यू हैव सीन दैट थ्रू जनम्स एंटायर वर्क।
मैं उन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ जो सफदर ने बच्चों के लिए लिखी हैं बतौर उन्होंने जो थिएटर में काम किया। लेकिन जब मुझे इस साल इनवाइट किया गया कि आप आइए और हमारे लिए एक बच्चों का नाटक डायरेक्ट कीजिए, तो पहले तो मैं शॉक हो गई कि मुझे बुला रहे हैं तो मैंने तो फ़ोन पे हाँ कह दिया। तो बाद में मैं थोड़ा टेंशन में आ गई कि मतलब मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो जन्म ने मुझे कैसे बुला लिया और बच्चों का नाटक कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने पूछा, जन्म बच्चों का नाटक कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो कर रहे हैं और 50 साल हुए तो शायद कुछ अलग अलग किस्म के चीज़ें करने की उनकी सोच है। तो फिर जब हम आए और यहाँ उनकी जो अलग अलग कलाकार हैं उनके साथ वर्कशॉप की, तो काफ़ी मतलब एक दो दिन में ही बहुत अच्छा सा जो है माहौल रहा और काम करने में मज़ा आया और बस उसी तरह बात आगे बढ़ती रही। और ये नाटक हमने पूरी टीम के साथ मिलाकर ही लिखा है और उसको कुछ ख़ास डायरेक्ट किया नहीं है मैंने, बस जैसा जैसा इम्प्रोवाइजेशंस में लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उसको पिरोया है बस। मैं समझती हूँ बहुत अप्रोप्रिएट है कि नसरुद्दीन शाह जैसे, रत्ना पाठक जैसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट आज इस मंच पर आए हैं। वो यही साबित करता है कि वो पुल मजबूत है, सफदर ने जो बनाया इंटेलेक्चुअल्स आर्टिस्ट और समाज के बीच, वो पुल मजबूत है। और 50 साल जन्म के बहुत बहुत मुबारक हम लोग सब जन्म के उस संघर्ष के साथ अपने को जोड़ कर कहते हैं जन नाट्यमान जिंदाबाद। ये हर साल जनवरी 1 को हमारा कार्यक्रम होता है। 34 साल हो गए सफदर के मर्डर के और आज ही के दिन वो गुजरे थे 1 जनवरी को, तब से आज तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकार, कवि, चित्रकार, लिखने वाले, साहित्य वाले, एक्टिविस्ट सब लोग आ जाते हैं। अब ऐसा होगा कि ये एक रवायत जैसी होगी कि जनवरी 1 को तो सहमत के यहाँ जाना ही है। ये है कि जब से सफदर की डेथ हुई तब तक तो कुछ लोग ही करते थे नुक्कड़ नाटक हिंदुस्तान में, और उनका जो जननाट्य मंच ग्रुप था वो सबसे सक्रिय था, ज़्यादा सक्रिय था। लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब किस्म की एक लहर चली है सारे देश में, हर जगह आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, यंग लड़के वो थिएटर करेंगे जो पॉसिबल है, जिसमें पैसे नहीं लगेंगे, गरीबों की बात करेंगे और नुक्कड़ पे कहीं भी खड़े होकर नाटक करेंगे। और उसका सबसे उदाहरण जो मुझे दिखने को मिला वो था जब यहाँ फार्मर्स एजुकेशन चल रहा था ना, साल भर चला, हज़ारों नाटक करने वाले आए वहाँ उनको एंटरटेन करके, उनकी बातें करनी, उन पर उनके इश्यूज़ पर बात करने के। इसी तरह शाहीन बाग भी इतना लंबा खींचा था, वहाँ पर भी लोग नुक्कड़ नाटक लेके आते थे, वो करते थे। तो आप समझते हैं प्रासंगिकता जो नुक्कड़ नाटक की है वो अद्भुत निकली, अद्भुत। और अब तो ये रुकने वाली नहीं है, कोई वो हर कॉलेज में, हर स्कूल में आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक मंडली होती है। फरवरी 1989 में सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट सहमत की स्थापना की, और तब से और सहमत बनाने का मकसद ये था कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसके ऊपर जो पाबंदियां लग रही हैं उसके खिलाफ एकजुट हुआ जाए। और ये लगातार हमले हो रहे थे और बढ़ते जा रहे हैं, लोग ये तय कर रहे हैं कि आप कैसी फिल्म बनाएंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कौन सी किताबें पढ़ेंगे, ये सब लगातार हो रहा है। और इसलिए ये जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट का जो काम है उसकी महत्ता रोज़ बढ़ती जाती है। हमने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़
सबसे बड़ा जो खतरा है वो इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, और ये असहिष्णुता लगातार इस समाज में बढ़ रही है, और वो एक ख़ास तरह की एक राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। तो पिछले 34 साल से सहमत इन तमाम सवालों के चारों तरफ अपनी गतिविधियों को केंद्रित करती रही है। सफदर हाशमी जो हैं वो एक कहानी है हमारे लिए, एक कैरेक्टर है हमारे लिए, लेकिन हमारा कोई परिचय नहीं। और समाज के उस समय से आज के समय में भी हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं वो सुन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पहली तारीख शायद इसलिए ज़रूरी है कि हम साथ आकर लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ पाने की ताकत को एक्सेप्ट करते हुए सेलिब्रेट कर सकें। I think it's like Vedi said before, it's important to keep that memory of Safdar and what he was trying to do alive. Rather than just remembering the person, you remember the lessons and you remember the values, and you remember that all of us have to stand together in the face of injustice. So I think today is definitely about that. को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।